हाई एवरी वन नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद अर्चना एंड इफ यू आर न्यू हीयर देन हाई माई नेम इज अर्चना कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिव्यू एंड आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर वाली हूँ वो है जूसी केमिस्ट्री हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक बल्गेरियन रोज़ वाटर एंड इस प्रोडक्ट को मैंने आई थिंक मेरे अमेजन हॉल में आप लोग के साथ शेयर किया था इफ़ इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी सो गाइज ये है जूसी केमिस्ट्री का हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक बलगेरियन रोज वाटर एंड ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आता है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, तो में आता है एंड की की का काफी दिस होता है। की मिल है क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसलिए आपको इन सिक्स मंथ्स यूज करना होता है आफ्टर ओपनिंग प्रोडक्ट इसकी जो क्वांटिटी है वो है वन हंड्रेड टेन एम एल एंड इसका जो प्राइस है वो है सिक्स फिफ्टी रुपीज बट आई थिंक ये मुझे ट्वेंटी परसेंट ऑफ पे मिला है और और काफी चीप प्राइस पे मुझे मिला है क्योंकि जूसी केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ऑफर्स नहीं आते हैं पर ये नायका पे आपको अप टू ऑफ तक मिल जाएगा और ये बिल्कुल वेगन प्रोडक्ट है फ्री प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट है फ्री है फ्री इसमें कोई एल्कोहल नहीं है नो प्रिजर्वेटिव नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल्स पी बैलेंस को मेन्टेन करता है स्किन के और काफी अच्छा है ये और इसमें केवल बल्गेरिया के रोजेस का यूज किया गया है ये रोज वाटर बनाने के लिए और इसमें वाइट रोजेस का यूज किया गया है और ये जो है ये टोटल आपका एंड प्रोडक्ट है ये बाई प्रोडक्ट है इसलिए ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है ये बाकी जो मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं रोज वाटर मिलते हैं उससे काफ़ी चीप है अगर मैं कंपेयर कर लूँ इसको कामा आयुर्वेदा और फॉरेस्ट uh, एसेंशियल बाकी तो और किसी ब्रांड का मैंने यूज नहीं किया हुआ है लग्जरी में मैंने इन दोनों ब्रांड का यूज़ किया हुआ है तो उससे काफ़ी चीप पड़ता है ये और मुझे उससे ज्यादा प्योर लगता है बल्गेरियन रोज वाटर इज अ प्योर जैम फॉर योर स्किन ये आपकी स्किन को हाइड्रेट्स करता है रिवाइटिलाइज करता है एंड मॉस्चराइज करता है स्किन को और ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच है इसीलिए आपके स्किन के सेल्स को स्ट्रेंथन करता है रीजनरेट करता है स्किन की टिश्यूज को रोज वाटर जो है वो ऑल्सो काफी फेमस है आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और ये ऑयली स्किन के लिए इसीलिए रिकमेंडेड है क्योंकि ये एक एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है व्हाइट रोजेस की मॉइस्चराइजिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज जो है वो इसको सुटेबल बनाता है ड्राई स्किन के लिए और वेरी सेंसिटिव स्किन के लिए भी तो इसको किसी भी स्किन टाइप वाले लोग यूज कर सकते हैं आपको अगर आपकी स्किन पे इरिटेशन हो रही है रेडनेस हो गई है या फिर किसी टाइप का सनबर्न हो गया है आपको जलन हो रही है कुछ भी सूट नहीं कर रहा है आपको डेफिनेटली इस रोज वाटर को ट्राई करना चाहिए अगर ये रोज वाटर नहीं है तो आप कोई भी रोज वाटर आपको यूज करना चाहिए और मैं तो बोलूंगी कि आपको आपके स्किन केयर में रोज वाटर इंक्लूड जरूर करना चाहिए एंड मैंने इस प्रोडक्ट को यहां तक फिनिश कर लिया आप देख सकते हैं मैंने इसको यहां तक फिनिश कर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा ये रह गया है मुझे ये बहुत पसंद आया काफ़ी ज्यादा ये प्योर है एंड मैं इसको बार बार रिपर्चेस करती रहूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है एंड मुझे स्किन को बहुत अच्छे से इसने सूट किया है मैंशन है कि इसको आप अपने फेस पे एज अ टोनर और फेशियल मिस्ट और मेकअप रिमूव uh, करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने कभी इसको मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ नहीं किया है मैं हमेशा इसको एज अ टोनर एज अ फेशियल मिस्ट और uh, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए स्किन को तो मैं इसको फटाक से स्प्रे कर लेती हूँ uh, वाह wow, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप देख सकते हैं इसने मेरे फेस पे कितना अच्छा से ग्लो प्रोवाइड कर दिया है विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रोज वाटर तो मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है आप इसको जरूर ट्राई करिए और मैं इसका परचेज लिख डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी सो so, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो का मुझे जरूर बताइएगा मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहें बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग आई